एमपी के हरदा में बीते 2 माह पूर्व कांग्रेस नेत्री एवं हरदा जनपद अध्यक्ष के पति द्वारा अनुसूचित जाति के युवक अनिल माड़िक की हत्या कर दी गई थी। उसके पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए 22 किलोमीटर पैदल न्याय यात्रा निकालकर संयुक्त मोर्चा महिला पुरुष कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग की। अगर पीड़ित को न्याय नहीं मिला तो हम सीएम हाउस का घेराव करेंगे। हरदा जिले की कांग्रेस जनपद अध्यक्ष के पति धर्मेंद्र पटेल के डंपर ड्राइवर की क्रिकेट के बल्ले से पीट पीट कर हत्या कर फरार हो गया था और पुलिस उसे पकड़ने में अभी तक नाकाम रही है, जिससे नाराज आदिवासी संगठनों ने कई बार कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया और ज्ञापन भी सौंपा था, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई और न ही हत्या के मुख्य आरोपी को पुलिस पकड़ सकी है। आदिवासियों का कहना है कि जब भी हम हरदा आते हैं तो प्रशासन हमें 2 से 3 दिन का आश्वासन दे देते हैं, लेकिन आरोपी को पकड़ा नहीं जाता है, जिससे हम आज पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हंडिया से हरदा 22 किलोमीटर पैदल चलकर आए हैं, जिससे प्रशासन सक्रियता दिखाए और धर्मेंद्र पटेल को गिरफ्तार कर सके। अगर अभी पुलिस प्रशासन कार्यवाही नहीं करता है तो हम सीएम हाउस का घेराव करेंगे। विगत दिनों पूर्व 8 दिसंबर को यहां के जनपद अध्यक्ष पति धर्मेंद्र पटेल के द्वारा अनुसूचित जाति के युवक अनिल माणिक की क्रिकेट के बल्ले से पीट पीट कर चोरी के शक में उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन 2 माह से पुलिस अभी तक उस हत्यारा को गिरफ्तार नहीं कर रही है। उसने गिरफ्तार इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि यहाँ पर 20 साल से कृषि मंत्री कमल पटेल का छत्र एक मतलब पूरा रहा है राज, और यहाँ कहीं ना कहीं पुलिस राजनीतिक संरक्षण में है। इसलिए मैं माननीय कृषि मंत्री कमल पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से कहना चाहता हूँ कि जो आरोपी अभी 2 महीने से फरार घूम रहा है, और मुझे यहाँ के जो SP मनीष अग्रवाल है उन पर विश्वास नहीं, सबसे पहले यहाँ के SP को हटाया जाए। अभी विगत दिनों पूर्व अभी गाडरिया यहाँ पुलिस गई थी तो पुलिस पर उस अपराधी ने हमला किया, तो मैं मध्य प्रदेश पुलिस और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से कहना चाहता हूँ कि जब आपकी पुलिस उसको पकड़ने गई थी तो क्या आपकी पुलिस चूड़ी पहन कर गई थी, क्या आपके पास हथियार नहीं है क्या? ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसमें कहीं ना कहीं पुलिस भी आरोपी को संरक्षण दे रही है। इसके लिए आज हमने हंडिया से हरदा तक 22 किलोमीटर की अधिकार न्याय यात्रा निकाली है। आरोपी की यदि गिरफ्तारी नहीं होती है तो आगामी जो रैली होगी वह हरदा से लेकर सीएम हाउस का घेराव करेंगे। इसका स्वयं जिम्मेदार हरदा SP और कलेक्टर रहेंगे। से कहा है कि हमने आरोपी धर्म पटेल की गिरफ्तारी के लिए पूरे प्रयास किए हैं। हमारी टीम जो है 5 गिरफ्तारी बनाई गई थी टीम, उसमें जो है एक टीम जो को सटीक सूचना मिली थी कि सिवनी मालवा में एक गाड़ड़िया गांव है जहां वो विजय पटेल जो उसके मामा हैं धर्मू पटेल के, उनके यहां छुपा हुआ है। तो रात में 10:30-11 बजे करीब थाना प्रभारी अपने दल के साथ निकले थे और उसने गाड़ी में बैठा कर विजय पटेल ने उसको जो है थाना प्रभारी चकमा देकर वहाँ से भाग निकला। इवन थाना प्रभारी चोट भी आई उसमें थाना प्रभारी ने सिवनी मालवा में कायमी भी कराई है। तो इस प्रकार जो है एक कायमी वहाँ है और माननीय न्यायालय सामने आदेश करा दिए हैं और उद्घोषणा के, तो उनके चल अचल संपत्ति का ब्यौरा भी दे दिया है और कुर्की के लिए 6 मार्च तक की समय मांगा है, और उसका जो अवैध अतिक्रमण थे जितने भी थी संपत्ति उसके और उसके सगे संबंधियों की सबको तोड़ दिया है, और जहां तक उसके रिकॉर्ड के आधार पर जो कार्रवाई करने की बात है हमने जिला बदर कल पेश किया है। इस प्रकार हमने पूरी तरह से दबाव बनाया है कि वो जल्दी से जल्दी या तो पुलिस के को अपनी गिरफ्तारी दे दे, नहीं तो हम उसके जितने भी है माननीय न्यायालय से 6 मार्च तक की जो अवधि है उसके बाद की आगे कार्रवाई कराएंगे। कुर्की जी, सर अभी तक कितने आरोपी उसमें 4 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, जिसमें उसके एक भाई भी है राहुल जाट, वैसे मुख्य पटेल मुख्य आरोपी जो उसमें धर्मू पटेल है, बाकी जो उसे सहयोग करने में उसके 4 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले की जा चुकी है। सर क्या जिला बदर की कार्रवाई की गई है और इनाम घोषित हुआ? देखिए 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर रखा है मैंने अपने स्तर पर, वो पहले से ही है। ठीक है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।